संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो गए यूं मायूस, यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। ए दोस्त, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। वेलकम टू एनसीईआरटी यूपीएससी दोस्तों, एनसीईआरटी यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके एग्जाम्स बिल्कुल पास में ही हैं, होपफुली आपके एग्जाम्स की स्टडी जो है वो बहुत अच्छे चल रही होगी। इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का थीम 14 जो आपका है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, वो समझेंगे। पार्टीशन के बारे में जानेंगे, पार्टीशन की पॉलिटिक्स कैसी थी, मतलब किस किस रीजन के कारण, क्या हिस्टोरिकल बैकड्रॉप था जिसके कारण हम पार्टीशन तक पहुंच गए, उसकी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस, क्या अनुभव जिस पार्टीशन का दंश देश ने झेला, कि सालों से हम जो साथ रहते आए थे एक देश अलग बन गया, एक धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर एक अलग देश बना दिया गया, और जो ब्रिटिशर्स की नीति थी डिवाइड एंड रूल वो इम्प्लीमेंट उन्होंने कर दी इस तरीके से कि देश का बंटवारा ही कर दिया, और कैसे ब्लडशेड हुआ, खून खराबा हुआ, एक इस तरीके से खून खराबा हुआ कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है उस देश में कि लगभग 1.5 करोड़ की संख्या में लोग इधर से उधर मूव होने पर मजबूर हो गए, अपने घर बार, अपनी जहाँ पे वो जनरेशन से रहते आए थे उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे उन्हें मूव होना पड़ा, जाना पड़ा। इस चैप्टर में हम पार्टीशन के बारे में जानेंगे कि पार्टीशन जो था उसका क्या रीजन थे, क्या हिस्टोरिकल बैकड्रॉप था, इसके एक्सपीरियंसेस और उसकी पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसा हम जानते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिली 1947 में, तो इस सारा कुछ टार्निश हो गया था, एक धब्बा लग गया था पार्टीशन के कारण, वायलेंस के कारण, और जो पार्टीशन की ब्रुटिलिटी थी, हजारों लोगों को मार दिया गया, कत्लेआम हुआ, भाई भाई के दुश्मन हो गए, जो कई सालों से एक साथ रहते आए थे वो एक दूसरे को नापसंद करने लगे और एक अलग देश अस्तित्व में आ गया पाकिस्तान के नाम से। हालांकि पाकिस्तान के बारे में देखिए, जैसा इंडिया का मैप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, पाकिस्तान का देखिए डिवीजन किस हिसाब से किया गया। वेस्ट में जो आज का पाकिस्तान है वो पाकिस्तान बनाया गया, और जो आज बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। मतलब वो जो आज का पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ऐसे दो पार्टीशन और बीच में इंडिया। सोच के देखिए किस हिसाब से डिवीजन किया गया था, और मतलब ऐसा दुनिया में ही एक अजीब किस्म का और पहला किस्म का एक पार्टीशन था। और बंटवारा तो हालांकि बाउंड्रीज सिर्फ मैप पे खींच दी गई थी लाइंस, लेकिन लोगों को इधर इधर से उधर मूव होना पड़ा, अल्टीमेट फेस उन्होंने किया। जैसा आपको यहाँ पे बता रहा है, हजारों लोगों को ये जो है वायलेंस का सामना करना पड़ा, वो माइग्रेट होने पर मजबूर हो गए, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को इधर से उधर मूव होना पड़ा बड़े पैमाने पर। आगे आपको बता रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है वायलेंस हुआ, जैसा इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऐसे घरों के घर जला दिए गए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, भाई भाई की आपस में लड़ने लगे जो एक साथ लड़ते आए थे धर्म के नाम पे, इस हिसाब से डिवीजन क्रिएट कर दिया गया। पहला आपका पॉइंट है सम पार्टीशन एक्सपीरियंसेस। इस पॉइंट में हम समझेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे पार्टीशन के बाद में क्या अनुभव थे लोगों के, लोगों ने क्या अनुभव किया, क्या चेंज हुआ पार्टीशन के कारण। देखिए इस फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया गया है कि एक रिसर्चर जो कि इंडियन थे, 1993 के दौरान वो पाकिस्तान में गए हुए थे, और जिनसे उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली वो पाकिस्तानी थे सारे, तो वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा आपको सोर्स फर्स्ट जो दे रहा है उसमें आप वो बता रहे हैं, वो जो रिसर्चर है वो इंडियन है, और जहाँ पे उन्होंने विजिट किया, पाकिस्तान में विजिट किया, वहाँ पे पाकिस्तानियों से वो बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बताते हैं, जैसे पहला जो आपका इंस्टेंस है उसमें वो कहते हैं, आई एम सिंपली रिटर्निंग माई फादर्स कर्ज हिज डेब्ट, कि जब एक बार जो ये स्कॉलर हैं, जो आपके रिसर्चर हैं, जो ये बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में थे लाइब्रेरी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर 1992 के दौरान, तो वहाँ के लिए एक लाइब्रेरियन थे अब्दुल लतीफ,
उनकी बहुत मदद किया करते थे, और मतलब इनके लिए फोटो कॉपीज वगैरह अरेंज करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाना। एक दिन इन्होंने उनसे पूछा, रिसर्चर ने, ये इंडियन है रिसर्चर और ये सिख है, तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम बताओगे? तो जैसे इसमें बता रहा है कि उस टाइम में एक नमाज का टाइम हो गया, तो उन्होंने अपनी टोपी उठाई और नमाज के लिए गए। उनका मैं अभी तो नमाज के लिए जाता हूँ, मैं आके तुम्हें इसका जवाब दूंगा। वापस आए नमाज करने के बाद में, तो उन्होंने बताया कि 1947 से पहले उनके पिता जो थे, मतलब उनका जो फैमिली थी, वो जम्मू में रहती थी और वो एक हिंदू मतलब मेजोरिटी इलाका था। वहां पे जब दंगे फसाद हुए पार्टीशन के दौरान, तो बड़े जो मुस्लिम थे उस गांव के, उस एरिया के, जम्मू के अंदर, तो उनको मार दिया गया था। इनके पिता जो थे वो ही अकेले बचे थे। तो कैसे एक लेडी, हिंदू लेडी ने इनके पिता की मदद की, जिसके कारण इनके पिता की जान बच पाई। तो उसी का, जैसे आपको बता रहा है यहाँ पे, आई एम सिंपली रिटर्निंग माई फादर्स कर्ज, हिज डेब्ट। तो भाई मैं उसी का जो है डेब्ट चुका रहा हूँ, उसका कर्ज के रूप में मैं मतलब आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो जो है हिंदू नहीं हूँ, मैं तो मतलब जिस हिंदू लेडी ने आपकी मदद की थी वो सही बात है, लेकिन मैं हिंदू नहीं, मैं तो एक सिख हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सिख हो लेकिन आप वहां से बिलोंग करते हो और आप नॉन मुस्लिम हो, इसलिए इस हिसाब से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो ये आप समझ सकते हैं, ये जो फर्स्ट आपका सोर्स था, इसमें आपको बताया किस तरीके से ये एक एक्सपीरियंस है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये सोर्स दिए हैं, इनमें से क्वेश्चन भी बन सकता है आपके। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पार्टीशन के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके बारे में थोड़ा एलोबरेट कीजिए, तो आप ये एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं यहाँ से। सेकंड जो सोर्स है उसमें रिसर्चर है अपनी सेकंड स्टोरी शेयर करते हैं और ये बताते हैं एक मैनेजर के बारे में, अबाउट द मैनेजर ऑफ ए यूथ हॉस्टल इन लाहौर, लाहौर के अंदर एक मैनेजर के यूथ हॉस्टल के बारे में। तो जब ये यूथ हॉस्टल में गए और वहां पे उन्होंने अकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए बोला और उनकी सिटीजनशिप खुद की बताई रिसर्चर ने, भाई मैं एक इंडियन हूँ, तो उसने अलाउ नहीं किया। उसने कहा कि भाई मैं आपको जो है रूम अलॉट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको टी चाय बिल्कुल ऑफर कर सकता हूँ और आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैनेजर ने ऐसा बोला तो इन्होंने कहा ठीक है, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल। और फिर उसके बाद में वो बताते हैं, वो जो मैनेजर था वो बताता है कि भाई मैं दिल्ली के अंदर 1950s के दौरान पोस्टेड था। जैसे आपके सोर्स है ना, इसमें आगे ऊपर हेडलाइन दे रहा है आपको, जैसे बता रहा है टाइटल है इसका, फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ आई हैव नॉट मेट अ पंजाबी मुसलमान। तो इससे रिलेटेड है ये चीज। तो यहाँ पे जो है ये मैनेजर बोलता है कि मैं पोस्टेड था दिल्ली के अंदर एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी में। तो एक बार मैं जो है, मेरे को किसी ने यहाँ मतलब लाहौर से किसी फ्रेंड ने बोला था कि मेरा एक फ्रेंड है जो करोल बाग पहाड़गंज इलाके में रहता है दिल्ली के, आपको उसको जो है एक रुक्का शॉर्ट हैंड रिटन नोट जो दिया था इनको, आपको उसको देना होगा, क्या आप उसको दे दोगे? तो इन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया था और ये उसके दोस्त को, किसी जिसमें पाकिस्तान से रुका था, भाई आप उसको ये दे दीजिएगा। तो ये देने के लिए पहाड़गंज इलाके में गए, तो वहाँ पे एक सिख साइक्लिस्ट था, उससे इन्होंने पूछा कि सरदार जी ये पहाड़गंज का रास्ता है कहाँ पे है? तो सरदार जी जो थे साइकिल में जा रहे थे, उन्होंने पूछा क्या आप रिफ्यूजी होकर बाहर से मतलब आए हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लाहौर से हूँ और मेरा नाम इकबाल अहमद है। इकबाल अहमद और लाहौर से? रुको रुको। और जो इनको कहा रुको रुको, तो इनको लगा भाई पार्टीशन का ऑब्वियसली टाइम हो ही थे थोड़ा, तो इनको लगा भाई मतलब सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो सकती है, मतलब कहीं वायलेंस ना हो जाए यहाँ पे। लेकिन वो सिख वहाँ पे आया, उसने एक इनको हक दी, इंस्टेंटली इनको पकड़ा और इनको बोला, क्या बोलता है देखो यहाँ पे, आईज मॉइस्ट ही सेड फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ आई हैव नॉट मेट अ पंजाबी मुसलमान, कि बहुत मतलब कुछ साल हो गए हैं कि मैं एक पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। तो देखिए इस चीज से ये बहुत हार्ट टचिंग लाइन्स हैं। यहाँ पे बता रहा है कि भाई किस तरीके से जो है पार्टीशन के पहले लोग आपस में साथ में रहते थे, हिंदू मुस्लिम, पार्टीशन के कारण कैसे डिवीजन हो गया और मतलब जो मतभेद है मनभेद के रूप में बदल गए थे। यहाँ पे जब ये जो मैनेजर थे, ये जो पोस्टर थे एम्बेसी में, तो किसी को देने आए थे पहाड़गंज इलाके में, वो मिलते हैं उसको, बताते हैं मैं इकबाल अहमद लाहौर से हूँ, वो कहते पंजाबी मुसलमान से मिले मुझे काफी टाइम हो गया। ये क्या है, वो खुद रिफ्यूजी थे वो सरदार जी, जो कि वहां से आए थे, उनको मजबूरन वहां से आना पड़ा था। तो उन्होंने उसको गले लगाया और कहा कि भाई मैं काफी टाइम हो गया किसी पंजाबी मुसलमान को देखे। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर पार्टीशन का दंश आपको साफ साफ दिखाती है। इस रूप में बड़े पैमाने पर, देखिए रेलवे जो लाइंस थी उनका 1850s के बाद में ब्रिटिशर्स ने बड़े पैमाने पर उनको
मतलब बिछाने स्टार्ट कर दिया था रेलवे वगैरह उस ड्यूरेशन में, आजादी से पहले और आजादी के ड्यूरेशन में हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो यहाँ से लाहौर और आगे तक रेलवे नेटवर्क था अच्छा खासा। तो बड़े पैमाने पर लोग जो है इस तरीके से जैसे भेड़ बकरियों की तरह भर भर के इधर से उधर जा रहे थे, बीच में मतलब लोगों का सामना करते हुए कत्लेआम भी मचा हुआ था। तो इस तरीके का यह पार्टीशन था, ये एक्सपीरियंसेस है जो बहुत मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस है जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। अब देखिए सोर्स थर्ड में जैसे हेडिंग है आपको यहाँ पर दे रहा है, नो नो यू कैन नेवर बी अवर्स, नहीं नहीं आप हमारे नहीं हो सकते। तो इस स्टोरी में रिसर्चर बताते हैं, थर्ड स्टोरी शेयर करते हैं अपने कि भाई 1992 के दौरान ये एक आदमी से मिले लाहौर के अंदर। तो उसने आदमी ने इनको पहचाना और उनको मतलब इनको ऐसा अजम किया उसने कि भैया पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं और मतलब अभी यहाँ पे घूमने के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए आए हुए हैं। तो उसने बोला कि आप दोबारा मतलब घर पे आइएगा, वहां से बाहर से जरूर घर पे आइएगा और अपने कौम बोला जाता नेशन को कंट्री को, तो कौम की हेल्प करने के लिए आइएगा। तो इन्होंने बताया कि नहीं नहीं उन्होंने उसको बताया नहीं मैं तो जो है मतलब पाकिस्तानी नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ। तो जैसे ही उसने सुना इंडियन है तो उसका पूरा मतलब वो बिहेवियर चेंज हो गया। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई साउथ एशियन, आप भी साउथ एशियन में आते हो, मैं भी साउथ एशियन, मतलब साउथ एशियन हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपके लोगों ने मेरे सारे गांव को मतलब वाइप आउट कर दिया था 1947 के दौरान, हम मतलब दुश्मन है, स्वॉन एनिमीज जैसे कह रहे हैं ना, वी आर स्वॉन एनिमीज एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो। हम क्या जैसे शपथ ले रखी है कि भाई हम शत्रु हैं एक दूसरे के और ऐसा ही रहेगा, जैसे आपको कह रहा है नो नो यू कैन नेवर बी अर्स। तो ये व्यक्ति उनको कहता है नो नो यू कैन नेवर बी अर्स। देखिए इस एक्सपीरियंस से हमने क्या समझा, तीन एक्सपीरियंसेस देखे हमने, तीन इंस्टेंसेस देखे। थर्ड वाला इंस्टेंस जो है ये आज की रियलिटी है, आप लोग भी देखते होंगे, कितनी बार आप न्यूज देखते हो और कई सारी चीजें देखते हो। तो न्यूज में आता है कि बड़े पैमाने पर कि वहां से हमला हुआ और हमारे कई सैनिक शहीद हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर आतंकवाद को लेकर उन पर आरोप लगाए जाते हैं और मतलब बहुत हद तक सच्चाई हो भी सकती है इसमें होगी। और वहां पे क्या है, वहां पे हमारे लिए मतलब गलत चीजें बोली जाती है हमारे दिल में, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है भाई वी आर स्वॉन एनिमीज कि जैसे पार्टीशन हुआ वो बीज बो दिया गया था हमारे बीच में दुश्मनी का और उसके बाद में वो दुश्मनी तब से लेके आज तक कंटिन्यू है। और इस एक्सपीरियंस से हमें ये समझ में आ रहा है कि वो दुश्मनी दिलों के अंदर बस गई है, हम उनको मतलब पसंद नहीं कर सकते और वो हमें ना पसंद, जैसा हमारे यहाँ पे वातावरण बनाया जाता है उनके लिए वैसा उनकी कंट्री में वो जो पॉलिटिशियंस वगैरह उनके हैं वो वैसा वातावरण बनाते हैं। देखिए हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं। देखिए रियलिटी है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और वो रहेगा पड़ोसी, तो उसको भी हमारे साथ सही ट्रीट करना चाहिए, हमें भी उसके साथ सही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इस तरीके से हम दोनों कंट्रीज के जो पुअर पीपल हैं जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये सोर्सेज से आप यही सारी चीज सीख रहे हो कि पार्टीशन ने कैसे जो है हमारे बीच में दुश्मनी डालने का काम कर दिया। तो ये आपका एक्सपीरियंसेस थे तीन इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट आपका अ मोमेंटस मार्कर, पार्टीशन और हॉलोकास्ट। देखिए हॉलोकास्ट का मतलब होता है नरसंहार, जब बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल किया जाए, कत्लेआम मचाया जाए। अ मोमेंटस मार्कर पार्टीशन और हॉलोकास्ट, कई हजार लोग जो हैं इस पार्टीशन में मार दिए गए, वुमेन का रेप कर दिया गया, मतलब अबडक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, मिलियंस ऑफ पीपल को जो है अपरूट कर दिया गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। जैसे आपको मैं कह रहा है रिफ्यूजी इन एलियन लैंड्स, उनके लिए जो नई जगह थी वहां पे उनको जाने को मजबूर कर दिया गया अपने घर बार छोड़कर। कौन जाना चाहता है अगर अपने घर बार छोड़कर, लेकिन सोच के देखिए, विजुलाइज करके देखिए इस चीज को, कितना बड़ा दंश था वो उस सिचुएशन में। आगे आपको बता रहा है लगभग ये डेटाज हैं कुछ स्कॉलरली गेसेस जिसमें कहा जाता है कि 2 लाख से लेके 5 लाख जो है वो लोग मारे गए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सोच के देखिए 2 लाख से 5 लाख की संख्या में लोगों को मारा जाना, किस तरीके से मारा जाना, मतलब मारकाट, मतलब वो वायलेंस से मारा जाना। ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, कोई नेचुरल कैलेमिटी भूकंप आ गया बाढ़ आ गया उससे मारे गए, नहीं, वायलेंस से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाना बहुत, मतलब दुनिया में बहुत एक दर्दनाक ये इंसिडेंट था। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऐसा कहा जाता है कि 15 मिलियन हैड टू मूव अक्रॉस हेस्टली कंस्ट्रक्टेड फ्रंटियर्स सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान,
कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जो है इधर से उधर मूव होना पड़ा, और शैडो लाइंस जो खींच दी गई थी, बाउंड्रीज बन गई इंडिया और पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस का जो जॉय था वो इस तरीके से टार्निश हो गया पूरा। जैसे आगे आपको बता रहा है, जैसे कई इतने लोगों को मतलब अपना जो जहाँ पे वो रहते आए थे, अपना फॉर्चून, चाइल्डहुड मेमोरीज जो थी, अपना बचपन जहाँ पे वो उसको बिताते आए थे, वो छोड़ के इधर से उधर मूव होना पड़ा। द स्ट्रिप्ड ऑफ देयर लोकल और रीजनल कल्चर, अपने कल्चर को छोड़ के उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। दे वर फोर्स टू बिगिन पिकिंग अप देयर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, और उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी लाइफ जो है बिल्कुल बेस से शुरू करें वापस। देखिए हमारा जो कल्चर है, हालांकि अभी पाकिस्तान बन गया, वहां वहां का जो कल्चर है यहाँ का कल्चर में आपको बहुत समानता मिलेगी। इवन वहां के जो जो अथॉरिटी है या पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं पाकिस्तान की, वो मतलब इस चीज को पसंद नहीं करती और वो कई तरीके के बैन वगैरह लगाने का प्रयास करती है इंडियन कल्चर को फॉलो ना करो, लेकिन वो इस चीज को नकार ही नहीं सकते क्योंकि उनका और कल्चर, हमारा कल्चर में बहुत सारी समानता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ही तो था, पार्टीशन के बाद में तो ये सारा कुछ अलग हुआ। आगे देखिए आप यहाँ पे जैसे फिगरिंग में देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर लोग इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए मजबूर हो गए। कि ये जो है एक सिंपली पार्टीशन नहीं था, जैसे आपका टॉपिक था पार्टीशन और हॉलोकास्ट, क्या एक पार्टीशन था, क्या बंटवारा था या कत्लेआम था? आपको आगे बता रहा है कि ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये हालांकि एक मोर ऑर लेस ऑर्डरली कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थी, जिसमें डिवीजन, टेरिटरी का डिवीजन के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस डिवीजन के, मुस्लिम लीग के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया थी इन चीजों को। टेरिटोरियल डिवीजन हो गया था, संपत्तियों का डिवीजन हो गया था, या इसको कह सकते हैं हम दूसरे रूप में, और शुड इट बी कॉल्ड 16 मंथ सिविल वॉर, कि 16 महीनों की सिविल वॉर। Recognizing that there were well-organized forces on both sides and concentrated attempts to wipe out entire population as enemies. यहाँ हम इसको दूसरे रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ जो है well-organized armies मौजूद थी, और दोनों को मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की population को पूरा खात्मा करना चाहते थे दुश्मनों के तरीके से, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। The survivors themselves have often spoken of 1947 through other words. मार्शल लॉ, मारा मारी, रोड़ा, उल्लर, कई सारे जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने अपने वर्ड्स में इसको बोला है पार्टीशन के बारे में। 1947 के ग्रेजुएशन में जो हुआ था, क्या मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, मारा मारी, रोड़ा, उल्लर, तो आप समझ सकते हो ना, पार्टीशन डिवीजन किया गया है लेकिन उसमें क्या है, वायलेंस है, उसमें मारा मारी, मार्शल लॉ, रोड़ा, उल्लर, इस तरीके से। ये कौन बता रहा है, ये लोग कह रहे हैं जो जिन्होंने झेला था वो दंश पार्टीशन का, डिस्टर्बेंस, स्टिमुलेट, अपरूर, कई तरीके के मतलब जो है जैसे लोगों को मार दिया गया, रेप किए गए विमेन के साथ में, आर्सन, लूट वगैरह, और इस तरीके से पार्टीशन हुआ। तो इसको कई स्कॉलर्स ये भी एक्सप्रेस करते हैं कि ये क्या था, एक हॉलोकास्ट, जो अभी आपको बताया। तो हॉलोकास्ट का क्या मतलब होता है, हॉलोकास्ट का नरसंहार, नरसंहार मतलब जो बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल किया जाए, और एज वेल प्राइमरी मीनिंग डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, स्लॉटर हो, कत्लेआम हो किसी स्केल पे, मास स्केल पे कत्लेआम, क्या ये अप्रोप्रिएट है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा जर्मन हॉलोकॉस्ट के बारे में, जर्मन हॉलोकॉस्ट में जब नाज़ीज पार्टी बनाई थी और उसमें फिर बाद में हिटलर जुड़ा, तो हिटलर ने किस तरीके से लोगों को वाइप आउट किया, ज्यूज का कत्ल करवाया बड़े पैमाने पर, और किस तरीके से हॉलोकॉस्ट जो है नरसंहार किया गया, उसके बारे में आपने सुना होगा जर्मनी के अंदर। बाद में जाके वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई और जर्मनी का खात्मा हुआ, हिटलर को सुसाइड करनी पड़ी। तो इस तरीके से देखिए जो है द टर्म होलोकॉस्ट इन अ सेंस कैप्चर्स द ग्रेविटी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सबकॉन्टिनेंट 1947, समथिंग दैट द माइल्ड टर्म पार्टीशन हाइड्स। कि आपने सिंपल सा वर्ड बोल दिया, देखिए बहुत अच्छी लाइन बोली गई, आपको समझाया गया यहाँ पे कि आपने सिर्फ पार्टीशन बोल दिया, हाँ पार्टीशन हो गया, डिविजन हो गया, नहीं, आप इस पार्टीशन से वो चीज नहीं छुपा सकते, उस होलोकॉस्ट को नहीं छुपा सकते, उस नरसंहार को नहीं छुपा सकते जो कत्लेआम हुआ था, बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल कर दिया गया। हो सकता है इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिव्स हों, तो उसके कारण जो है लोगों का कत्लेआम कर दिया, आप सिर्फ बोलते थे पार्टीशन हो गया, नहीं, बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर मूव होने के लिए मजबूर हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे कई लाखों लोग। अगर आपको कह रहा है कि भाई हाँ, लेकिन जर्मन होलोकॉस्ट था वो अलग था कुछ, क्योंकि वहां पे जो है
वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, गवर्नमेंट जो थी वहां की जर्मनी में, हिटलर जो है था वो खुद हॉलोकॉस्ट करवा रहा था, बड़े बड़े ज्यूज का कत्ल करवा रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ऐसा माहौल बन गया था पॉलिटिकली कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे का कत्ल करते थे। आगे आपको बताया जैसे 47-48 के दौरान सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट विटनेस एनी स्टेट ड्राइवन एक्सटर्मिनेशन, भाई हमने यहाँ पे स्टेट ड्राइवन एक्सटर्मिनेशन नहीं देखा कि भाई जैसा जर्मनी के अंदर हुआ था स्टेट ड्राइवन एक्सटर्मिनेशन हुआ था नाजी जर्मनी के अंदर, स्टेट जो गवर्नमेंट थी उसने एक्सटर्मिनेशन करना स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे आपको बता रहा है वेज मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन यूज्ड द एथनिक क्लींजिंग दैट कैरेक्टराइज द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज कैरीड आउट बाय सेल्फ स्टाइल रिप्रेजेंटेटिव रिलीजियस कम्युनिटी रादर देन बाय स्टेट एजेंसी। कि ये जो एथनिक क्लींजिंग थी, हालांकि आप इसको एक वर्ड में एथनिक क्लींजिंग कह सकते हो, देखिए एथनिक क्लींजिंग का क्या मतलब है कि आपसे पूछ भी सकता है एथनिक क्लींजिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसमें कुछ एथिक्स मतलब कुछ एथनिक ग्रुप्स को मानने वाले लोग हैं, किसी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को पसंद ना करें और वो क्या करने लग जाए उस एथनिक या उस सेक्ट को मानने वाले लोगों को वाइप आउट खत्म करना स्टार्ट कर दें, तो उसको आपको एथनिक क्लींजिंग, क्लीन करना, बिल्कुल साफ करना, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और हालांकि हमारे यहाँ पे क्या था, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था, रिलीजियस और कम्युनिटीज के द्वारा, मतलब जो उनके रिप्रेजेंटेटिव सेल्फ स्टाइल उनके द्वारा फैलाया गया था, स्टेट एजेंसीज के द्वारा नहीं। द पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी पहले मैं आपको बता रहा था स्टीरियोटाइप्स, जैसे आपको कहता है यहाँ पे बता रहा है आगे, देखो इंडिया हेटर्स इन पाकिस्तान और पाकिस्तान हेटर्स इन इंडिया आर बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ पार्टीशन। इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान को नापसंद करने वाले और पाकिस्तान के अंदर इंडिया को नापसंद करने वाले बहुत मिलेंगे, और ये किस वजह से, ये रियलिटी है और ये किसी हद तक जायज भी है, क्योंकि उस पार्टीशन के कारण जो है उस मनों के अंदर क्या हो गया, भेद हो गया, डिविजन क्रिएट हो गया, तो पार्टीशन ने वो सीड जो है वो बीज बोया जिसके कारण आज हम ये देख रहे हैं स्थिति ऐसी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और फिर इसके बाद में, पार्टीशन के बाद में बहुत सारी चीजें और जुड़ती गई भाई, इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी मत समझिएगा कि मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, दोनों को बिल्कुल मिल जाना चाहिए, नहीं ये चीज होनी चाहिए, लेकिन अभी और भी कई सारी चीजें जुड़ती गई, किस तरीके से जो पाकिस्तान है या वहाँ के किस तरीके से जो है टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया इंडिया के अंदर, या वो आरोप लगाते हैं इंडिया को लेके, तो इस तरीके से स्टीरियोटाइप्स से आपको समझना है धारणा जो मतलब कुछ स्टीरियोटाइप्स आपको, जैसे हमारे यहाँ पे कई अपने दिमाग में पाकिस्तान का नाम आता है आपस में दुश्मन का नाम, वहाँ पे उस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि उनको बता दिया गया इंडिया को लेकर इंडिया हमारा दुश्मन, तो इंडिया हेटर्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हेटर्स इन इंडिया आर बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के प्रोडक्ट्स हैं, उसने सीड बोया आज तक हम उसको झेल रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे बता रहा है, देखिए एट टाइम्स सम पीपल मिस्टेकनली बिलीव दैट लॉयल्टीज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स लाई विद पाकिस्तान, द स्टीरियोटाइप ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पैन इस्लामिक लॉयल्टीज कम्स फ्यूज्ड with other highly objectionable ideas. Muslims are cruel, bigoted, unclean, descendants or invaders, while Hindus are kind, liberal, pure children of the invaded. जैसे आपको यहाँ बता रहा है कि कुछ समय मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इस चीज को गलत मतलब समझ जाते हैं, और ये पार्टीशन के कारण चीज हुई है। देखिए आपको समझना होगा सोसाइटी के अंदर, और ऑब्वियसली हम डेमोक्रेसी के अंदर हैं, तो डेमोक्रेसी में आपको बहुत सारे मतलब विचार मिलेंगे, अगर विरोधी विचार होंगे वो होने भी चाहिए, डेमोक्रेसी तभी तो सक्सेसफुल हो पाएगी ना, ये तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब। यहाँ पे आपको बता रहा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स को लेके मतलब कई लोग जो है ऐसी धारणा बना लेते हैं कि भाई, जैसे हम यही समझ रहे हैं स्टीरियोटाइप्स, अब इसको समझिएगा कि ऐसी धारणा बना लेते हैं कि भाई वो उनकी जो है लॉयल्टी वो किसके लिए मैटर करती है, पाकिस्तान के लिए मैटर करती है, वो ज्यादा लॉयल किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वो इस वजह से सोच रहे हैं पार्टीशन के कारण, उस पार्टीशन ने उनके दिमाग में भी वो चीज वो बीज डाल दिया, तो आप समझ रहे हैं ना स्टीरियोटाइप्स की पावर, कि किस तरीके से वो जो धारणाएं हैं उसकी इतनी पावर है कि सोसाइटी के बीच में हमारे बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इस पार्टीशन ने हमारे मतलब माइंड्स के साथ में और मेंटेलिटी के साथ में, और ये स्टीरियोटाइप्स की पावर है कि उसने इस तरीके का डिविजन क्रिएट करने की कोशिश की, और जो डिविजन आज तक हम झेल रहे हैं, कई बार कई लोग इस तरीके की चीजें बोलते भी हैं, और ऐसा बोला जाता है कि भाई ये धारणा भी है कि मुस्लिम जो है वो क्या है, क्रूल है, बाइगोटेड है, अनक्लीन है, इन्वेडर्स जो बाहर से आए थे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, और जैसे हिंदूज हैं वो क्या है, वो काइंड होते हैं, लिबरल हैं, प्योर हैं, और इन्वेडेड जिनको इन्वेड किया गया था उनके चिल्ड्रन है।
तो ये धारणा स्टीरियोटाइप्स, जैसे आपको यहाँ पे आगे बता रहा है जर्नलिस्ट, कहते हैं आर एम मर्फी हैज शोन दैट सिमिलर स्टीरियोटाइप्स प्रोलिफेरेट इन पाकिस्तान, कि ऐसे ही सेम धारणाएं पाकिस्तान में भी है। जैसा आप यहाँ पे धारणाएं बना रहे हैं, वैसे ऑब्वियसली वहां पे भी सिक्के के दोनों पहलू होते हैं ना, एवरी कॉइन हैज इट्स आस्पेक्ट्स, टू आस्पेक्ट्स, तो ऑब्वियसली दो एस्पेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान में भी यहाँ के लेके धारणाएं हैं, वहां पे पाकिस्तानी क्या मानते हैं, मुस्लिम्स आर फेयर ब्रेव, मतलब बहादुर होते हैं, फेयर हैं, मोनोथेइस्ट, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर विश्वास करने वाले को मोनोथेइस्ट कहते हैं, जो एक ईश्वर में विश्वास करता है, एंड मीट ईटर्स, ठीक है, व्हाइल हिंदूज आर डार्क काउडली पॉलीथेइस्ट एंड वेजिटेरियन। हिंदूज क्या है, डार्क है, काउडली, डरपोक, पॉलीथेइस्ट मतलब जो बहुत मतलब ईश्वर के बहु ईश्वरवादी, बहुत ईश्वर ईश्वर में विश्वास करता है, एंड वेजिटेरियन। Some of these stereotypes predate partition, but there is no doubt that they were immensely strengthened because of 1947. हालांकि इसमें से कई stereotypes आपको क्वेश्चन में बन सकता है, क्या stereotypes हैं? ये stereotypes हैं। Stereotypes समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, आपको धारणा जो आपको ये था ना, हमने भी टॉपिक देखा था, the power of stereotypes, धारणा, धारणाओं की क्या शक्ति है, किस तरीके से उन्होंने लोगों के माइंड को चेंज कर दिया, हम उन धारणाओं के कारण अपना माइंड बना लेते हैं, नहीं, आप भी चीजों को परखिए, समझिए, फिर अपनी क्या बनाइए, अपने विचार बनाइए, धारणाओं पर मत चलिए जो प्रचलित है समाज में, ऐसा, हाँ ऐसा कहा गया, हाँ ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, आप समझो ऐसा है तो क्यों है, इसी में कुछ रीजन रहा होगा उसका, है अब क्या किया जा सकता है। तो स्टीरियोटाइप्स की पावर, ठीक है, ये स्टीरियोटाइप्स जैसे कि आपको कह रहा है प्री पार्टीशन थे, लेकिन 1947 ने इसको बहुत सारी चीजें इसमें स्ट्रेंथन की। जैसे आपको यहाँ पे आगे बता रहा है, इन बोथ कंट्रीज वॉइसेस ऑफ हेट्रेड डू नॉट मेलो, दोनों कंट्रीज में जो हेट्रेड की वॉइसेस हैं ये क्या खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। Partition generated memories, hatred, stereotypes and identities that still continue to shape the history of people on both sides of the border. Partition ने हमारे यादों में, memories में hatred, violence, stereotypes और ये जो धारणाएं अभी हमने देखी जैसे, उसको इस हिसाब से shape कर दिया गया है कि दोनों sides के जो लोग हैं उनकी history इसी हिसाब से shape हुई है कि हमें इन धारणाओं को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और ये चीजें इसी हिसाब से चल रही हैं। अब आगे आपको बता रहा है, स्टोरीज ऑफ पार्टीशन वायलेंस आर रिकाउंटेड बाय कम्युनल ग्रुप्स टू डीपन द डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज, क्रिएटिंग इन पीपल्स माइंड्स फीलिंग ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रेस, कंसोलिडेटिंग द पावर ऑफ कम्युनल स्टीरियोटाइप्स। कि ये जो पार्टीशन की स्टोरी है, वायलेंस की स्टोरी है, ये कई कम्युनल जो कम्युनिटीज के बीच में डिविजन क्रिएट करने के लिए कई सारे कम्युनल ग्रुप्स के द्वारा भी यूज की गई पॉलिटिकल गेन्स के लिए और अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी पावर मतलब जमाने के लिए, अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए, लोगों के बीच में सस्पिशन डालने के लिए, ट्रस्ट डालने के लिए, एक कम्युनिटीज के बीच में डिवीजन डालने के लिए, इन कई सारे कम्युनल ग्रुप्स के द्वारा पार्टीशन को यूज किया गया अपने खुद के पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और ये एक कम्युनल स्टीरियोटाइप्स, आप समझ रहे हैं ना, स्टीरियोटाइप धारणा है। और कम्युनल स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये, मतलब ये जो अभी हमने देखा भाई, मुसलमान जो है हिंदुओं के प्रति क्या सोचते हैं, हिंदू मुसलमान के प्रति क्या सोचते हैं, तो भाई ये सारी धारणाओं ने मतलब ये सारा काम करने की कोशिश की जिसके कारण कम्युनल ग्रुप्स जो है वो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की और पॉलिटिकल गेन किए। द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैज बीन प्रोफाउंडली शेप्ड बाय दिस लीगेसी ऑफ पार्टीशन। और ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की रिलेशनशिप है, पार्टीशन ने मतलब जो सीड बोया था उसके कारण हमारे ये हमें लीगेसी मिली। लीगेसी का मतलब होता है विरासत। विरासत में हमें ऑब्वियसली पार्टीशन मिला तो हमारे बीच में क्या है, डिविजन है। हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते, ना वो हमें देख सकते हैं ना हम उसे उन्हें देख सकते हैं। तो ऐसी ही सारी सिचुएशन है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं जो अभी पहले आपको बता रहा था, किस तरीके से लोगों को अपने घर बार छोड़ कर अपनी जान माल की रक्षा के लिए भागना पड़ा, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ा, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। व्हाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन, अब इतनी सारी चीजें हमने देखी, तो भाई पार्टीशन हुआ क्यों आखिर और कैसे हुआ। जैसे आपको यहाँ बता रहा है, कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ए लॉन्ग हिस्ट्री, 3.1 जो टॉपिक आपका, एक लॉन्ग हिस्ट्री को हम कल्मिनेट करते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्नास थ्योरी दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेपरेट नेशंस कैन बी प्रोजेक्टेड बैक इनटू मिडिवल हिस्ट्री। दे एम्फसाइज दैट द इवेंट्स ऑफ 1947 वर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट थ्रूआउट मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम। सच एन आर्गुमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज हैज कोएग्जिस्टेड विद ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ शेयरिंग and of mutual cultural exchange. It also does not take into account the changing circumstances that shape people's thinking. Muhammad Ali Jinnah ki theory thi ki bhai Hindu aur Muslim jo hai colonial time mein wo two separate nations jo hai, matlab wo unke liye matter karte hain,
दो सेपरेट नेशंस कॉलोनियल इंडिया में थे और मिडवेल हिस्ट्री को देख के वो ये सारी चीज बोल रहे थे। उनका कहना था, मतलब उस सोच को रखने वाले उनका कहना था कि भाई हिंदूज और मुस्लिम जो है वो साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जो मिडवेल एरा की हिस्ट्री है, मध्यकालीन जो भारत की हिस्ट्री है, वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की रही है, आपस में लड़ते आए, कई सारे दंगे हुए थे मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में। लेकिन वो इस चीज को भूल गए कि दंगे हुए हो, लड़ाई हुई हो, लेकिन हमारी शेयरिंग भी साथ में थी। जैसे आपको कह रहे हैं, सच एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, कि ये जो आर्ग्यूमेंट है जो आप कहते हो कि भाई हम साथ में नहीं रह सकते, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था बकायदा कि भाई हाँ हिंदूज जो है वो अलग आइडेंटिटी है, मुस्लिम अलग आइडेंटिटी, वो साथ में नहीं रह सकते। हमारी पूरी हिस्ट्री में मध्यकालीन को उठा के देख लीजिए, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, हमारी पूरी हिस्ट्री मध्यकालीन में भारत को उठा के देख लीजिए, उसमें एक दूसरे से लड़ते आए हिंदू मुस्लिम, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आपने आपको बता रहा है कि उन्होंने एक चीज को नकार दिया, तो इस बात पर बल दे रहे थे कि भाई यहाँ अलग देश होना चाहिए, इसलिए मतलब ये अपने उन्होंने बातें रखी और फिर डिमांड की कि भाई हमारा इस्लाम के नाम पर जो है अलग देश होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आपको जैसे कह रहा है कि भाई ये आर्ग्यूमेंट जो है ये ज्यादा मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि हमारी अगर कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है तो हमारी शेयरिंग की हिस्ट्री भी है, को एग्जिस्ट साथ साथ में। और आप लोगों ने सुना होगा क्या, ऑब्वियसली लड़ाइयां जैसे घर के अंदर जो है बर्तन होते हैं तो उपस्थित तो हैं, ऑब्वियसली वैसी बात है। तो आप इसी से समझ सकते हो क्या कि आपस में जो है डिवीजन कई बार होता था, मतलब लड़ाई अगर हुई हो आपस में, इस हिसाब से वायलेंस हुआ हो हिस्ट्री मिडवेल एरा में, तो आप उस चीज को कहते हो कि नहीं हम अलग ही हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगी, इस चीज को नहीं लगा सकते। आप क्यों भूल जाते हो वो सारी चीज कि हम शेयर भी तो करते थे, और हिस्ट्री ऑफ शेयरिंग जो है वो ज्यादा बड़ी है बनस्पत जो कॉन्फ्लिक्ट का, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप समझ रहे हो ना, जैसे आप यहाँ पे आपको कह रहा है कि सच एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज हैज कोएग्जिस्टेड विद हिज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ शेयरिंग, कि उसने जो इस बात का बल दे रहे थे कि अलग होना चाहिए, उन्होंने इस बात पर बल नहीं दी, मतलब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि भाई हमारी कॉन्फ्लिक्ट की अगर हिस्ट्री रही है तो शेयरिंग की तो उससे ज्यादा, उससे बड़ी हिस्ट्री रही है, और म्यूचुअल एक्सचेंज की हम दोनों कम्युनिटीज जो है वो एक साथ जनरेशन से रहती आई है। जैसे आगे आपके कह रहा है कि भाई इट ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज दैट शेप पीपल्स थिंकिंग, उसने इस चीज को बल नहीं दिया कि किस हिसाब से जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसमें लोग साथ में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अलग होने का प्रयास किया और अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ। आगे आपको कह रहा है कि दे सजेस्ट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम क्रिएटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1909 एक्सपेंडेड 1919 क्रिटिकली शेप्ड द नेचर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। देखिए 1919 में और 1935 में भी बाद में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1909 में जो एक्ट बने थे उसके अंदर जो है फिर बाद में चुनाव करवाए गए थे इस डिवीजन में, हालांकि जो इलेक्टोरेट्स थे जो जो जिनको वोट देने का अधिकार था वो बहुत कम परसेंटेज थे, कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन चुनाव करवाए गए थे। और इसी ड्यूरेशन में जो है मांग रखी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। देखिए यहाँ पे एक टर्म है सेपरेट इलेक्टोरेट्स को समझिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट कहते हैं इलेक्शन एरिया को, और इलेक्शन एरिया में यहाँ पे आपको बताया गया सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था, जैसे मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम जो मेजोरिटी है वहां से मुस्लिम ही खड़ा होगा, रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम ही होंगे, और मतलब दूसरे लोग जो है वहां से खड़े नहीं हो सकते, और इस हिसाब से ये सारी चीज होगी, मुस्लिम्स वोट देंगे मुस्लिम ही खड़ा होगा। तो कई स्कॉलर्स कहते हैं कि इस चीज को जो एक्सेप्ट कर लिया गया था 1909 में और 1919 में, इसके कारण क्या हो गया, डिविजन क्रिएट हो गया, क्योंकि वो लोग फिर क्या करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट में आप फिर वो कम्युनल बातों को बहुत आगे रखते थे और दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ मतलब पॉलिटिक्स करते थे, फिर कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई थी। तो इसने क्या कर दिया, इसने बीज डाल दिया गया पार्टीशन का, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो मांग थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मेंट दैट मुस्लिम्स कुड नाउ इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इन डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेपरेट का मतलब है कि भाई अब जैसे इसमें जो एक्सेप्ट कर लिया गया था मुस्लिमों के लिए, तो मुस्लिम जो है इलेक्ट कर सकते थे उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण दिस क्रिएटेड टेम्पटेशन फॉर पॉलिटिशियंस वर्किंग विद इन दिस सिस्टम टू यूज सेक्टेरियन स्लोगन्स एंड गैदर ए फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। इसने अटेम्प्ट किया इस चीज को और नेताओं को कि वो यूज करें सेक्टेरियन स्लोगन्स, मतलब सेक्टेरियन स्लोगन मतलब धर्म के नाम के स्लोगन्स, और डिस्ट्रीब्यूट करें रिलीजियस ग्रुप्स को फेवर करने की बातें।
Religious identities thus acquired a functional use within a modern political system, and logic of electoral politics deepened and hardened these identities. तो इस हिसाब से जो है भाई क्या हो गया, पॉलिटिक्स में जो है धर्म घुस गया और धर्म के नाम पे वोट मांगे जाने लगे, और धर्म जो है वो उसने क्या करने मतलब यूज किया जाने लगा बड़े पैमाने पर दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कंसोलिडेशन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इससे क्या समझना है कि किस तरीके से जो हमारा पार्टीशन हुआ उसके बीच कैसे बो दिए गए। तो 1919 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक्ट आया था, 1919 में एक्ट आया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी, कई हिस्टोरियन कई स्कॉलर्स का मानना है कि उस वजह से क्या हो गया आपके बीच में मतभेद जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो है जैसे आपको बता रहा है आगे, ड्यूरिंग द 1920s एंड अर्ली 1930s टेंशन ग्रो अराउंड अ नंबर ऑफ इश्यूज। Muslims were angered by music before mosque, by the cow protection movement, and by the efforts of Arya Samaj to bring back the Hindu fold, Shuddhi, those who had recently converted to Islam. कि 1920-1930 के बाद टेंशन जो है दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी कई सारे इशूज को लेके। मुस्लिम्स जो थे वो इस चीज़ को लेके नाराज थे कि उनकी जो मस्जिदें हैं उनके बाहर म्यूजिक बजाया जाता है बड़े पैमाने पर, और काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट चलाया जा रहा था उस ड्यूशन में, उससे नाराज थे। और इसी ड्यूशन में आर्य समाज जो है उसके द्वारा शुद्धि अभियान चलाया जा रहा था। शुद्धि अभियान क्या था, जिसमें बड़े बड़े जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए थे तो उनको वापस मतलब हिंदू धर्म में लाया जाने के लिए उनका शुद्धि अभियान चलाया जा रहा था। तो इस बात को लेकर मुस्लिम्स बहुत नाराज थे। जैसे आपको यहाँ पे कह रहा है म्यूजिक बिफोर मॉस्क में क्या था, म्यूजिक बजाना कहाँ पे, रिलीजियस प्रोसेशन नमाज वगैरह हो रही हो मॉस्क में तो उसके बाहर मतलब म्यूजिक बजाना। तो इस चीजों को लेकर जो है टेंशन धीरे धीरे ग्रो होने लग गया था। यहाँ पे एक नाम है आर्य समाज। देखिए आर्य समाज क्या था, ये एक हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी नॉर्थ इंडिया के अंदर लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान एस्टेब्लिश की गई थी, पंजाब के एरिया में पर्टिकुलरली एक्टिव थी, जो वैदिक लर्निंग को रिवाइव करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, और वैदिक लर्निंग एंड कंबाइन इट विद मॉडर्न एजुकेशन इन द साइंसेस। तो इस तरीके से ये सारी चीज थी। आगे आपको बता रहे जैसे हिंदूज वर, जैसे हिंदू भी एंगर्ड थे, अभी मुस्लिम्स का बताया, हिंदूज वर एंगर्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ तबलीग प्रोपेगेंडा एंड तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1923। किस तरीके से प्रोपेगेंडा जो है उनके खिलाफ कराया जा रहा था, कम्युनिटी के खिलाफ बड़े बड़े लोगों को जो है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो बनाई जा रही थी, तो उससे जो है हिंदूज नाराज थे 1923 के दौरान। आगे आपको कह रहा है एवरी कम्युनल राइट्स डीपन डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटीज एंड क्रिएटिंग डिस्टर्बिंग मेमोरीज ऑफ वायलेंस। ये बड़े पैमाने पर जो है राइट्स वगैरह जो दंगे फसाद हुए, और हर दंगा जो हो रहा था वो कम्युनिटीज के बीच में क्या कर रहा था, डिफरेंसेस डिविजन जो है वो धीरे धीरे मतलब वो खाई बढ़ाता जा रहा था, और वायलेंस की मेमोरीज जो है वो डिस्टर्बिंग थी। हालांकि ये चीज इनकरेक्ट होगी कहना कि पार्टीशन एज द आउटकम ऑफ सिंपल अनफोल्डिंग ऑफ कम्युनल टेंशन, कि सिर्फ कम्युनल टेंशन के कारण क्या हो गया इतना बड़ा पार्टीशन हो गया, देश का बंटवारा हो गया, नहीं। क्योंकि जैसे एक पिक्चर भी बनी थी, और आपको यहाँ पे स्पेसिफिक लेके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो पर्दे पर सिनेमा के मतलब किस तरीके से पार्टीशन को दिखाया है, कि एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था गर्म हवा, उसमें भी बताया गया इस चीज को कि कम्युनल डिस्कॉर्ड जो था, कम्युनल डिस्कॉर्ड हैपेंड इवन बिफोर 1947, ऑलवेज 1947 से पहले भी कई सारे कम्युनल डिस्कॉर्ड थे, बट इट हैड नेवर लेड टू द अपरूटिंग ऑफ मिलियंस फ्रॉम देयर होम्स। कि इसने भाई कभी भी इस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाला कि लाखों लोगों को जो है इधर से उधर मूव होना पड़े, उन्हें एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े। तो इसी पार्टीशन जो था ना, ये समझ रहे हो इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है आपको, पार्टीशन जो था वो कई सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी पार्टीशन की स्थिति आ गई। क्योंकि अगर आपका कम्युनल डिस्कॉर्ड हो गया था, दंगे वगैरह होने लगे था, फिर उसमें इस वजह से डिवीजन आ गया था, अल्टीमेट पार्टीशन होता, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्यों, ऐसा तो पहले भी हो रहा था। अब देखो व्हाट इज कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म क्या है, आपसे कोई पूछ सकता है कम्युनलिज्म क्या है, जैसे इसमें नाम है, नाम से आप समझ सकते हैं। देखिए कम्युन, कम्युनलिज्म, इसमें कम्युनिटी जुड़ा हुआ है। तो अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड आप बातें बोलो, और किसी इवन दूसरी कम्युनिटी को काउंटर करने के लिए, तो यही कम्युनलिज्म है। जैसे आपको बता रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ अस हैव अ रिलीजन एंड कास्ट मे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। क्या हम सब की जिंदगी में, जैसे अभी की रियलिटी है ये, और पिछले कुछ क्लासेस में मैंने तो आपको बताया था कि धर्म है, ये सारी चीजें क्या विचार होते हैं और कुछ नहीं। विचार जो होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर विचारों में आस्था रख सकते हो, अलग अलग सबके विचार हैं,
हालांकि हम सब है क्या इक्वली तो हैं, और क्या है वो विचार जो होते हैं वो हम में से थोड़ा सा जो है डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि उन विचारों को भी हम देखें तो अल्टीमेटली सब विचारों का मकसद एक ही है, और मतलब जो डेस्टिनेशन वो सबकी एक ही है। जैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ अस हैव रिलीजन एंड कास्ट मे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ, कि हम सबकी जिंदगी में भी क्या है धर्म या जाति जिसको आप नाम देते हो वो है, और वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में। या दूसरे रूप में हम कहें, इन अदर वर्ड्स आर आइडेंटिटीज हैव न्यूमरस फीचर्स दे आर कॉम्प्लेक्स, हमारे आइडेंटिटीज जो है वो न्यूमरस फीचर्स उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत। अब कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म रेफर्स टू अ पॉलिटिक्स दैट सीक्स टू यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड अ रिलीजियस आइडेंटिटी इन हॉस्टाइल अपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी। आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन सकता है कम्युनलिज्म को समझाइए, ये कोई भी पूछ सकता है। तो आपको कम्युनलिज्म बताना है कि कम्युनलिज्म रेफर्स टू पॉलिटिक्स दैट सीक्स टू यूनिफाई वन कम्युनिटी। कम्युनलिज्म उस पॉलिटिक्स को रेफर करके आप बोलोगे जो यूनिफाई करती है एक कम्युनिटी को एक रिलीजियस आइडेंटिटी पर, मतलब धार्मिक आइडेंटिटी पर, और इवन स्पेसिफिकली हॉस्टाइल होती है किसी अपोजिट कम्युनिटी पर, किसी एक पर्टिकुलर ए कम्युनिटी ग्रुप का है जो बी कम्युनिटी ग्रुप के खिलाफ चीजें बोले, तो आप उसको ये क्या कर रहा है, ये कम्युनलिज्म की चीज कर रहा है ना, वो है कम्युनलिज्म, वो जो विचार फैला रहा है जिस तरीके से विचार, वो है कम्युनलिज्म। तो इसको आप कम्युनलिज्म रेफर करके बोलोगे। आगे वो कह रहा है कि कम्युनलिज्म सप्रेसेस डिस्टिंक्शन विद इन द कम्युनिटी एंड एम्फसाइजेस द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज। कम्युनलिज्म जो है एक कम्युनिटी को यूनाइट रहने को बोलता है दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, तो ये है कम्युनलिज्म। या कोई कह सकता है वन कुड से कम्युनलिज्म नर्चर्स अ पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड एंड आइडेंटिफाइड अदर हिंदू इन द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म एंड मुस्लिम्स इन द केस ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म। दिस हेट्रेड फिट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस। भाई कम्युनलिज्म में जैसे हिंदू अगर मुस्लिम्स के खिलाफ बोले, मुस्लिम्स हिंदू के खिलाफ बोले, ये क्या कर रहे हैं कम्युनलिज्म में, ये कम्युनलिज्म का पार्ट है, और कम्युनलिज्म किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आगे देखिए, आगे आपको बता रहा है द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। 1937 जो 1935 एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके तहत इलेक्शन करवाए गए। 1937 में इलेक्शन हेल्ड हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पहली बार, और 10-12% पॉपुलेशन जो थी वो प्रोविंसेस के अंदर उनको वोट देने का अधिकार था, सिर्फ 10-12%। और इवन जो नेशनल इलेक्शन हेल्ड हुए थे नेशनल असेंबली के लिए उसमें तो इससे बहुत कम, मेरली 1% वोट देने का अधिकार था लोगों को। आगे आपको बता रहे देखिए कि द कांग्रेस डिड वेल इन द इलेक्शन विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 out of 11 प्रोविंसेस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन 7 out of them। कांग्रेस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस उसने बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा फेयर प्ले किया, और लगभग जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ 5 राज्यों में और 11 राज्यों में से 5 राज्यों में और 11 में से 7 राज्यों में उसने सरकार बनाई। हालांकि जो मुस्लिम्स रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, हालांकि उस देश में जो मुस्लिम लीग थी वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, और 4.4% टोटल मुस्लिम वोट जो कास्ट हुए थे वो जो है उसका 4.4% ही अचीव कर पाई मुस्लिम लीग। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर NWFP जो था वहाँ पे जो है ये 2 सीट रिजर्व थी जो 84 सीट उसमें से केवल 2 सीट जीत पाई कौन, मुस्लिम लीग। और पंजाब जो थे उसमें जैसे 3 सीट जो है वो 33 में से 3 सीट पंजाब के अंदर जीत पाई, और 2 सीट जीत पाई कहाँ पे, 84 में से 2 सीट जीत पाई कहाँ पे, पंजाब में। तो इवन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहाँ पे क्या एक सिंगल सीट भी नहीं जीत पाई, जैसे आपको कहना है द लीग फेल टू विन ए सिंगल सीट इन NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक भी सीट नहीं जीत पाई, और 84 में से 2 सीट जीती इसने कहाँ पे, पंजाब के अंदर, और 33 सीटों में से 3 सीट जीती सिंध के अंदर। तो मुस्लिम लीग में कुछ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो थे वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर पाए मुस्लिम लीग भी। लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे मुस्लिम लीग अब यहाँ से धीरे धीरे उठना स्टार्ट करेगी, अल्टीमेट जाके फिर ये डिमांड करेंगे किस तरीके से कंसोलिडेशन करेंगे एक कम्युनिटी को, अल्टीमेटली जो है पार्टीशन होगा। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो था वहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी वो उसने सीट जीती थी कुछ, और वहाँ पे वो सरकार बनाना चाहती थी कांग्रेस के साथ में मिलकर, लेकिन कांग्रेस के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी तो उसने इसका जो ऑफर था मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होने का वो ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। कई स्कॉलर्स इस चीज को गलत मानते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो चीज हुई थी उसने मुस्लिम लीग को इस चीज पर कन्विंस कर दिया कि भाई हाँ, क्योंकि हिंदू बहुल एरिया है, हिंदू मेजोरिटी एरिया है,
तो वहां पे वो कभी भी पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, मतलब जो है सरकार में नहीं आ पाएंगे, पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए वो कन्विंस हो गए, मतलब मुस्लिम लीग कन्विंस हो गई कि हाँ मतलब यहाँ तो हमारी स्थिति बहुत कमजोर है। उनके दिमाग में ये चीज घर मतलब ये चीज बैठा दी, इस चीज ने जो कांग्रेस ने उनका ऑफर ठुकराया। कई स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि अगर हमारे अलग देश हो गए जहाँ मुस्लिम ही होंगे तो ही मुस्लिमों को जो है पॉलिटिकल पावर मिल सकती है, नहीं तो उनको पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी। आगे आपको कह रहा है, द लीग अज्यूम्ड ऑफ कोर्स दैट ओनली अ मुस्लिम पार्टी कुड रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट। जैसे मुस्लिम लीग का ये मानना था कि एक मुस्लिम पार्टी जो होगी वही मुस्लिम इंटरेस्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकती है। इवन जैसे इंडियन कांग्रेस कहती थी कि मुस्लिमों की बात हम भी करते हैं और हम कर रहे हैं, मुस्लिम को हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम होल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग कहती है कि नहीं आप मुस्लिमों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो है ये डिविजन करने की कोशिश की, देखिए एक एक कम्युनिटी को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल पावर्स के लिए। अल्टीमेट वो ये नतीजा होगा कि लास्ट में पार्टीशन हो जाएगा। बट जिन्नाज इंसिस्टेंस दैट द लीग बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल स्पोक्समैन ऑफ मुस्लिम कुड कन्विंस फ्यू एट द टाइम। इवन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ये कहते थे कि वो मुस्लिम लीग जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है, अकेली रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स की, और ये भी कई बार नकार दिया जाता था कई लोगों के द्वारा, ये मुस्लिम्स के द्वारा, कि नहीं ऐसा नहीं है, सोल रिप्रेजेंटेटिव, सोल स्पोक्समैन, आप अपने आप को कैसे कह सकते हो मुस्लिमों का और उनके यहाँ पे बातें करो नहीं। दो पॉपुलर इन द यूनाइटेड प्रोविंस बॉम्बे एंड मद्रास, सोशल सपोर्ट फॉर द लीग वाज स्टिल फेयरली वीक इन थ्री ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम विच पाकिस्तान वाज टू बी क्रेव आउट जस्ट 10 इयर्स लेटर, बंगाल, द एनडब्ल्यूएफपी एंड द पंजाब। कि यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे यहाँ पे ठीक ठाक थी मुस्लिम लीग की स्थिति मुस्लिम एरियाज में, लेकिन जो पाकिस्तान बनने वाला था अगले 10 साल बाद में, क्योंकि अभी हम बात करें 1937 के इलेक्शन की, बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया, फिर बाद में 1971 के बाद में जिसको बांग्लादेश कहा जाने लगा, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था पहले, और एनडब्ल्यूएफपी का एरिया जो है वो, और पंजाब का एरिया जो वेस्ट पंजाब का एरिया है, यहाँ पे लीग की स्थिति कोई ज्यादा बढ़िया नहीं थी। जैसे आपको आगे बता रहा है, जैसे इवन सिंध जो था, सिंध अभी पाकिस्तान में है, सिंध जो था वहां पे भी जो ये फेल हो गई थी मुस्लिम लीग गवर्नमेंट फॉर्म करने में। अभी उस डिवीजन में देखिए, जैसे मुस्लिम लीग के बारे में बताया गया, वैसे एक और संगठन था हिंदू महासभा, इसको 1915 में एस्टेब्लिश किया गया था। हिंदू महासभा थी, ये एक हिंदू पार्टी थी, मेनली स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया में वर्क करती थी, और इसका एम यही था कि भाई हिंदू सोसाइटी को यूनिफाई करना, यूनाइट करना, जिनको जिसके कारण, क्योंकि इनका मानना था कि कई तरीके के कास्ट सिस्टम में और हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड है, तो उस डिवीजन का फायदा जो है बहुत गलत तरीके से उठाया जा रहा है लोगों के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो इसके लिए उनका मानना था भाई हिंदुओं क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, तो इसके लिए हिंदू महासभा वर्क करती थी। और आगे आपको कह रहा है कि शॉर्ट टू डिफाइन हिंदू आइडेंटिटी अपोजिशन मुस्लिम आइडेंटिटी, और ये जो है इस तरीके से ये भी जो क्या करने का प्रयास करती थी भाई, एक आइडेंटिटी को एक करना किसी दूसरी आइडेंटिटी के खिलाफ, तो हिंदू आइडेंटिटी को एक करना किसके खिलाफ, अपोजिशन टू मुस्लिम आइडेंटिटी। तो ये हिंदू महासभा का मतलब यहाँ पे आपको बताया गया। आगे आप देखिए, इसमें आपको दो तीन चीजें और बताई गई है। एक आरएसएस के बारे में भी आपको बताया गया, जो 1920s के दौरान एस्टेब्लिश हुई थी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भी अपनी पावर जो है बहुत गेन कर रही थी, स्ट्रेंथ कर रही थी, ऐसा उस डिशन में कहा जाता है 1940s के दौरान, कि आरएसएस के पास में लगभग 1 लाख ट्रेंड हाईली डिसिप्लिन कैडर था 1940s के दौरान। ये जो थी ये हिंदू नेशनलिज्म आइडेंटिटी पे वर्क करती थी, जिसका मेन ये फिलोसफी थी भाई दैट इंडिया वाज ए लैंड ऑफ हिंदूज। तो इस तरीके से ये सारी चीज, मतलब ये पॉलिटिक्स जो है रिलीजियस पॉलिटिक्स उस डिशन में चल रही थी। आगे आपको देखिए यहाँ पे बता रहा है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन कैसे आया, यहाँ पे आपको बता रहा है 23 मार्च 1940 को जो लीग थी मुस्लिम लीग, उसने एक रेजोल्यूशन मूव किया, उसने डिमांड की अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उनके लिए क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब होती है कि छूट, पावर, कुछ हद तक पावर दी जानी चाहिए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को। अब ये जो एम्बिग्यूस एक रेजोल्यूशन था ये, हालांकि इसने पार्टीशन के बारे में कोई मेंशन नहीं किया, इनफैक्ट सिकंदर हयात खान जो पंजाब प्रीमियर थे और यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था रेजोल्यूशन को, उसने ये डिक्लेयर किया पंजाब असेंबली में स्पीच देने के दौरान 1 मार्च 1941 को, उनका स्पीच है कि दैट ही वाज अपोज्ड टू ए पाकिस्तान दैट वुड मीन मुस्लिम राज, कि वो इवन इस चीज के अपोज में थे उस डिवीजन में। ये बात करें 1941 की,
जो रिजोल्यूशन आया था पाकिस्तान रिजोल्यूशन के बारे में रेफर करके जो बोल रहे हैं आपको, कि ही वाज अपोज टू मुस्लिम, ही वाज अपोज टू पाकिस्तान दैट वुड मीन मुस्लिम राज हियर एंड हिंदू राज एल्सवेयर, कि मुस्लिम राज यहां और हिंदू राज कहीं और पे। इफ पाकिस्तान मींस अनलर्ड मुस्लिम राज इन द पंजाब देन आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट। If Pakistan means an allied Muslim Raj in Punjab, then I will nothing to do with it. He reiterated his plea for a loose confederation with considerable autonomy for the confederation. उन्होंने इस चीज को कहा कि एक loose, एक united confederation होनी चाहिए जिसमें considerable autonomy, मतलब considerable autonomy मतलब है बहुत हद तक power होनी चाहिए क्योंकि states की confederating units की। मतलब क्या कर दिया गया था, देखिए ऐसा एक प्रपोजल आया था कि भाई जो मुस्लिम एरिया जहाँ पे है जैसे बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध का जो पार्ट है, वहाँ पे एक ग्रुप बना दिए जाने चाहिए, उन ग्रुप्स के पास पावर होनी चाहिए, मतलब दो तीन स्टेट्स के ग्रुप और दो तीन स्टेट्स के ग्रुप उधर, उनके पास पावर होनी चाहिए, और वो मतलब धर्म के नाम पे इस तरीके से चीज मतलब की जा रही थी। जैसे आपको बता रहा यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को क्या देनी चाहिए, दी जानी चाहिए ऑटोनॉमी और दी जानी चाहिए। आगे आपको कह रहा है देखिए, The origin of the Pakistan demand have also been tracked back to the Urdu poet Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal जो थे Urdu poet थे, तो उनकी जो है उन्होंने जो चीज लिखी थी वहां से इसका origin निकाला जा सकता है पाकिस्तान की demand का। हालांकि Muhammad Iqbal जो writer थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उसके, और उन्होंने अपने presidential address में, मुस्लिम लीग के president बने थे ये 1930 में, तो अपने presidential address में उन्होंने बोला था कि spoke of a need for a northwest Indian Muslim state, कि एक northwest Indian Muslim state की need के बारे में। इकबाल however was not visualizing the emergence of new country in that speech। हालांकि इकबाल जो है किसी नई country की बात नहीं कर रहे थे, northwest Indian Muslim states की बात कर रहे थे। इस हिसाब से northwest Indian Muslim state जो है सारे मुस्लिम कई सारे states से इनका एक group होना चाहिए, तो इसकी बात कर रहे थे, हालांकि कंट्री की बात नहीं कर रहे थे स्पीच, बट मतलब लेकिन वहां से वो डिमांड उठ गई। इन दैट स्पीच बट ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इनटू एन ऑटोनॉमस यूनिट विद इन ए सिंगल लूजली स्ट्रक्चर्ड इंडियन फेडरेशन। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, इनका एक सिंगल क्या बनना चाहिए, आपके एक ग्रुप बनना चाहिए, और वो जो ग्रुप है वो पावरफुल होना चाहिए लूजली स्ट्रक्चर्ड इंडियन फेडरेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं, एक ग्रुप की डिमांड कर दी गई और अल्टीमेटली जो है फिर लास्ट में वो पार्टीशन के रूप में पाकिस्तान की डिमांड की गई। आगे देखिए आप, यहाँ पे आपको बता रहा है द सडननेस ऑफ पार्टीशन की सडननेस, बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। मैनी हु माइग्रेटेड फ्रॉम देयर होमलैंड इन 1947 थॉट दे वुड रिटर्न एज सून एज पीस प्रिवेल्ड अगेन। सडननेस, पार्टीशन अचानक हो जाना, लोगों को अचानक मतलब हालांकि टेंशन थी, कई सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अचानक पार्टीशन मतलब हो जाना आजादी के बाद में, कितने लोगों को एकाएक इधर से उधर मूव होना, सोच के देखिए, विजुलाइज करके देखिए कितना मुश्किल होता है। इवन जैसे यहाँ पे कह रहा है आपको, जो माइग्रेट हुए थे उस ड्यूरेशन में 1947 में अपनी जमीन से, उन्होंने देखा भाई अभी क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, मारकाट मची हुई, तो एक बार चले जाते हैं, जैसे चीज सही होगी तो क्या हो जाएंगे, हम लौट के आ जाएंगे, पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं हुआ, अलग देश अस्तित्व में आ गए, और जो तब से लेके 75 साल हमको हो गए, अब तक क्या है, एक दूसरे को दुश्मन माने हुए बैठे हैं। तो पार्टीशन ने वो जो बीज बोया था, अब तक जो हमारी स्थितियां हैं वो, अब जो हमारी रिलेशनशिप है वो उसी का परिणाम है कि हमारे बीच में क्या है, डिविजन है। जैसे आपको कह रहा है, इनिशियली इवन मुस्लिम लीडर्स डिड नॉट सीरियसली रेज द डिमांड फॉर पाकिस्तान एज ए सॉवरेन स्टेट। हालांकि शुरू शुरू में जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने भी सीरियसली इस चीज को, डिमांड को नहीं फॉर्म किया था पाकिस्तान की एक सॉवरेन स्टेट के रूप में। हालांकि जैसा वो बोल रहे हैं भाई, ग्रुप बनाने की डिमांड उन्होंने कहा था, और लूज एक यूनाइटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए मुस्लिम एरियाज को। जैसा वो कह रहा है, जिन्ना खुद जो थे हिमसेल्फ हैव सीन द पाकिस्तान आइडिया एज अ बार्गेनिंग काउंटर, कि उनका मानना भी था कि बार्गेनिंग काउंटर हो सकता है पाकिस्तान, मतलब हम डिमांड करके अपनी पॉलिटिकली मतलब अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो बनाए रख सकते हैं, ब्रिटिशर्स से भी कई चीजें मनवा सकते हैं, और वो कुछ कांग्रेस जो इन्हें लगे कांग्रेस को ज्यादा कुछ मतलब उसको बहुत ज्यादा मतलब भाव ना दे, उसको बहुत ज्यादा जो है उसकी बातें जो है ना मान ले कहीं, तो एक बार्गेनिंग काउंट पॉइंट उसको रखते थे भाई पाकिस्तान की डिमांड। आगे आपको कह रहा है, यूजफुल फॉर ब्लॉकिंग पॉसिबल ब्रिटिश कंसेशन टू द कांग्रेस एंड गेनिंग एडिशनल फेवर फॉर द मुस्लिम, मुस्लिम्स के लिए एडिशनल फेवर की डिमांड के लिए उन्होंने शुरू शुरू में भी जो है इसको एक बार्गेनिंग पॉइंट के रूप में मतलब यूज करते थे। पोस्ट वॉर डेवलपमेंट में आपको कह रहा है कि देखिए
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स वर्ड जो आपको बता रहा है द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940। 1940 के दौरान मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन जो आया दैट ज्योग्राफिकली कंटिजियस यूनिट्स आर डेमार्केटेड इनटू रीजन व्हिच शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड विद सच टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट एज मे बी नेसेसरी दैट द एरियाज इन व्हिच द मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन मेजोरिटी एज इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्ट जोन्स ऑफ इंडिया शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स शैल बी ऑटोनोमस एंड सॉवरेन। कि जहां जहां पे मुस्लिम्स एरिया है वहां पे क्या बनाना चाहिए, जैसे ईस्ट के अंदर और नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था वहां पे, तो वहां पे उनका ग्रुप बना दिया जाना चाहिए और उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में जो है उनको एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए लूजली यूनाइटेड गवर्नमेंट के अंदर। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग का ये प्रपोजल रेजोल्यूशन जो 1940 के अंदर आया था 1940 में। पोस्ट वॉर डेवलपमेंट कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी उस डिशन में, 1939 में स्टार्ट हो गई थी, 1949 में खत्म हुई थी, तो जैसे नेगोशिएशंस वगैरह बातचीत वगैरह चल रही थी आज़ादी को लेके 1945 के दौरान, तो ब्रिटिश इस चीज़ को लेके ब्रिटिशर्स जो है एग्री हो गए थे टू क्रिएट एन एंटायरली इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक एंटायरली इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए, मतलब होगी, हालांकि वायसराय वो जो होगा वो ब्रिटिशर्स से होगा और कमांडर इन चीफ होगा जो आर्म्ड फोर्सेस का वो भी क्या होगा ब्रिटिशर्स होगा, या और उसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी मतलब मिनिस्ट्री वो क्या होगी एंटायरली इंडियन होगी और एज ए प्रिलिमिनरी स्टेप टुवर्ड्स फुल इंडिपेंडेंस। और ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फिर लास्ट में आपको फुल इंडिपेंडेंस, तो ये ट्रांजिशन के लिए उन्होंने बोला इस तरीके से चीज कर सकते हैं। अगर आपको कह रहा है कि जैसे आपको यहाँ पे बता रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन जो है अब वो हेल्ड हुए 1946 के दौरान, इसमें कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्वीप किया, 91.3% जो नॉन मुस्लिम वोट थे वो उसने अचीव किए। हालांकि जो लीग थी मुस्लिम लीग वो इस बार जैसे हमने देखा था 1937 के इलेक्शन में उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई थी, लेकिन लीग ने इस बार अच्छी खासी सीटें मुस्लिम एरियाज में जीती, वो जैसे 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी सेंटर में वो सारी जो है वो मुस्लिम लीग जीती, 86.6% वोट जो थे मुस्लिम वोट उसको मिले। और आगे आपको बता रहा है 442 आउट ऑफ 509 सीट्स इन द प्रोविंसेस में जो थी मुस्लिम एरियाज वहाँ पे 509 में से 442 सीटें वो जीती। ओनली एज लेट एज 1946 देयरफॉर डिड द लीग एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज द डोमिनेंट पार्टी अमंग मुस्लिम वोटर्स। तो इस तरीके से लीग ने अपने आप को मुस्लिम वोटर्स के बीच में एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश किया, जो 1937 के में ऐसी स्थितियां नहीं थी। अब इस ड्यूरेशन में लीग ने अपनी पावर को बहुत कंसोलिडेट किया था मुस्लिमों के बीच में, मतलब उनको कई तरीकों से कंसोलिडेट करने के लिए। आगे आपको बता रहा है कि देयरफॉर डिड द लीग एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द डोमिनेंट पार्टी अमंग मुस्लिम वोटर्स सीकिंग टू विंडिकेट इट्स क्लेम टू बी द सोल स्पोक्समैन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। कि भाई हम क्या है, हम इंडियन मुस्लिम्स के सोल स्पोक्समैन है। हालांकि देखिए उस ड्यूरेशन में जो फ्रेंचाइज वोट था वो बहुत कम था, लगभग 10-12% लोग जो थे वोट दे सकते थे, बहुत सारे लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, कुछ परसेंटेज जो वोट थे वही वोट दे सकते थे। और ये भी प्रोविंसेस की बात करें, स्टेट्स के अंदर जो सेंटर के अंदर हुआ था उसमें तो मेरली 1% 1% लोगों को भी वोट देने का अधिकार था। अब देखिए आगे आपको बता रहा है अ पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन। पार्टीशन के अलावा क्या अल्टरनेटिव हो सकता था। अब मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने कैबिनेट मिशन भेजा था अपने कैबिनेट के मेंबर, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 मेंबर मिशन भेजा था दिल्ली के अंदर डिमांड को एग्जामिन करने के लिए और यहाँ की जो चीज़ें थी उसको एग्जामिन करने के लिए, तो सूटेबल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए फ्री इंडिया के। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि इनिशियली जो मेजर पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, देखिए कि इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से डिवीजन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाना चाहिए, मतलब जो प्रोविंसेस असेंबलीज होगी उसको ग्रुप को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाना चाहिए। सेक्शन ए जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस के लिए होंगे, सेक्शन बी और सी में क्या होगा मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग आसाम रेस्पेक्टिवली। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो होंगे। The section of groups of provinces would comprise various regional units. They would have the power to set up intermediate level executives and legislatures of their own. Initially, all the major parties accepted this plan, but the agreement was short-lived because it was based on mutually opposed interpretation of the plan. देखिए क्या किया गया था, आप समझ रहे हैं ना, इस हिसाब से ABC दो तीन सेक्शन मार दिए गए थे,
मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, हिंदू मेजोरिटी एरिया के लिए, जैसे आप इसको यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इस मैप से वो पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ये मैप में देखिए सेक्शन ए सेक्शन बी आपको दिया हुआ है और ये दूसरे शेड के रंग में अलग जो इलाके हैं। जो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है, ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे 1941 के। जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे उनको इस हिसाब से ग्रुप में बांट दिया गया, ये ग्रुप बना दिया गया, ये ग्रुप बना दिया गया। और बाकी जो आपको ये दिख रहे हैं ग्रीन रंग में से ब्लू रंग के जो है, ये जो थे आपके, ये आपके प्रिंसली स्टेट्स है, जो रियासतें थी जो राजकुमार राज करते थे, ये इनको इस हिसाब से प्रपोजल में अलग रखा गया था। और सेक्शन ए जो है ऐसे प्रोविंस जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी मेजोरिटी है, तो उनको सेक्शन ए में डिवाइड कर दिया गया। तो इस हिसाब से कैप्टन मिशन ने बोला था भाई ये प्रपोजल होगा। हालांकि कई लोगों ने इसको मतलब प्रपोजल को जैसे एक्सेप्ट किया, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हुआ। बिकॉज क्यों? इट वॉज बेस्ड ऑन म्यूचुअली अपोज्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लान। द लीग वॉन्टेड द ग्रुप टू बी कंपल्सरी, द लीग वॉन्टेड द ग्रुपिंग टू बी कंपल्सरी। लीग ये चाहते थे ग्रुपिंग जो है ये कंपल्सरी हो, मतलब सबको ये कहते हैं मुस्लिम मेजोरिटी है तो आपको ग्रुप में इस मतलब शामिल होना ही होगा। इस तरीके से ग्रुपिंग जो कंपल्सरी हो, विद सेक्शन बी एंड सी डेवलपिंग इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटीज विद द राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन इन द फ्यूचर। क्या किस जो सेक्शन बी और सी है, मतलब ये जो बनाए गए थे ना भाई सेक्शन बी और सी, यहाँ पे मुस्लिम एरियाज के लिए, इस एरिया में जो मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में रहते थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब का पार्ट जो वेस्ट पंजाब आज पाकिस्तान में है, और नॉर्थ की तरफ नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, और ये ईस्ट जो बांग्लादेश बन गया फिर। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पे मुस्लिम जो लीग कह रही थी कि इनको ये अधिकार दे देना जाना चाहिए कि भी ये फ्यूचर में, अभी तो शामिल रहे इंडियन जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें शामिल रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में उससे कभी भी सीसीड हो सकते हैं। सीसीड होना मतलब उसे बाहर आ सकते हैं, मतलब वो कह देंगे भाई हमें साथ में मतलब इस देश के साथ में नहीं रहना। तो मुस्लिम लीग ये डिमांड करने लगी थी, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है ना सीसीड का मतलब क्या था, सीसीड मीन्स टू विदड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, मुस्लिम लीग क्या कह रही है यहाँ पे कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तो उन्होंने ये डिमांड की भाई इस तरीके से कैबिनेट मिशन ने तीन ग्रुप में बांट दिया, जो अभी हमने समझा, अभी इस मैप से ये तो समझा ना हमने कि कैबिनेट मिशन ने इस हिसाब से तीन ग्रुप में बांटा। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि ये कंपल्सरी कर दो ग्रुपिंग हो, और हमें मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है उसको ये राइट दे दो, उसको ये राइट दे दो कि वो क्या करेगा, वो फ्यूचर में कभी भी सीसीड हो सकते हैं, मतलब अलग हो जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज हुई, और इसको फिर बाद में जो है द कांग्रेस वांटेड दैट प्रोविंसेस बी गिवन द राइट टू जॉइन अ ग्रुप। कांग्रेस जो थी वो ये कह रही थी कि नहीं, जो है राइट्स जो है प्रोविंसेस को दिए जाने चाहिए कि वो कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम क्लैरिफिकेशन जो मुस्लिम लीग के सर दीवान थी उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उससे तो नहीं रखती थी। इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द मुस्लिम्स क्लैरिफिकेशन दैट ग्रुपिंग वुड बी कंपल्सरी एट फर्स्ट, प्रोविंसेस हैव द राइट टू ऑप्ट आउट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन फाइनलाइज्ड एंड न्यू इलेक्शंस हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद इट। तो इस तरीके से जो है इनमें मतलब डिफरेंसेस आ गए थे। Ultimately, therefore, neither the League nor the Congress agreed to the Cabinet Mission proposal. ना ही Congress इस Cabinet Mission के proposal को accept किया फिर last में, और ना ही League ने accept किया। This was a most crucial junction because after this partition became more or less inevitable. और ये important juncture था, और इसके बाद में क्योंकि आप समझ सकते हो ना इस तरीके से division आ गया था leaders के बीच में, political parties के बीच में, और वो जो है लोगों के बीच में वो reflect कराने की कोशिशें कर रहे थे, लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर जो है मतलब एक टेंशन की सिचुएशन अमर्ज हो गई थी, और पार्टीशन लास्ट में इनेविटेबल हो गया था। इनेविटेबल का मतलब था जो चीज निश्चित हो। विद मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स एग्रीइंग टू इट सीइंग इट एज ट्रेजिक बट अनअवॉइडेबल। हालांकि कई जो कांग्रेस लीडर्स थे ऑब्वियसली वो पार्टीशन के भी मतलब उनको लग रहा था कि इस चीज को ट्रेजिक को मारकाट को अवॉइड करने के लिए अब ये क्या हो गया, जरूरी हो गया है। हालांकि महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, NWFP में बहुत बड़े नेता थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। यहाँ पे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान, और महात्मा गांधी को आप देख सकते हैं। तो वो जो है कंटिन्यू प्रयास कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे इस थ्योरी को, पार्टीशन की थ्योरी को, नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी आपका ये पूरा कैबिनेट मिशन का प्रपोजल था, जिसको लीग ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, अल्टीमेटली क्या हुआ पार्टीशन जो है इनेविटेबल के रूप में होने लगा। टुवर्ड्स पार्टीशन, पार्टीशन की स्थिति देखिए, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, और इसने 16 अगस्त 1946 का दिन चुना डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में। इस दिन जो है बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए कलकत्ता में, सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए,
कई दिनों तक ये दंगे फसाद चलते रहे, हजारों लोग जो है इस दंगों में मारे गए। तो आप समझ सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के डिवीजन था अब धरती में प्रैक्टिकल होने लगा। जैसे डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया 16 अगस्त 1946 को, बड़े पैमाने पर लोगों को जो है एक दूसरे का कत्ल करने लगे। मार्च 1947 तक जो ये वायलेंस जो है नॉर्दर्न इंडिया के कई सारे पार्ट्स में फैल गया। मार्च 1947 में ही कांग्रेस जो थी, द कांग्रेस हाईकमांड वोटेड फॉर डिवाइडिंग द पंजाब इंटू टू हाउस। कांग्रेस हाईकमांड ने वोट किया पंजाब को दो हाउस में डिवाइड करने के लिए 1947 के दौरान। देखो आप क्या कह रहा है, मार्च 1947 द कांग्रेस हाईकमांड वोटेड फॉर डिवाइडिंग द पंजाब इंटू टू हाउस, वन विथ मुस्लिम मेजोरिटी एंड द अदर विथ हिंदू एंड सिख मेजोरिटी। एक जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी उसको उस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए। देखिए बंगाल का डिवीजन हुआ था जैसे 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम, ईस्ट बंगाल अलग कर दिया गया था, वेस्ट बंगाल अलग कर दिया गया। वेस्ट बंगाल जो आज अपना रहे है, ईस्ट बंगाल जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, धर्म के नाम पे डिवीजन किया गया था। वैसे पंजाब को 1947 में, क्योंकि पार्टीशन इनोवेटेबल था तो इस तरीके से ग्रुपिंग करने के लिए जो है डिवीजन कर दिया गया धर्म के नाम पे। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जो है ईस्ट आपके वेस्ट पंजाब में, और ईस्ट पंजाब में जो है वो अभी जो पंजाब हमारे है वो हिंदू सिख मेजोरिटी का एरिया जो था। एंड इट आस्क्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर प्रिंसिपल टू बंगाल, और बंगाल में ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करने का बोला गया। बाय दिस टाइम गिवन द नंबर्स गेम मेनी सिख लीडर्स एंड कांग्रेसमैन इन द पंजाब वर कन्विंस्ड दैट पार्टीशन वाज अ नेसेसरी इविल, अदरवाइज दे वुड बी स्वैम्प्ड बाय मुस्लिम मेजोरिटीज एंड मुस्लिम लीडर्स वुड डिक्टेट टर्म्स। अब इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए पंजाब के अंदर भी बड़े पैमाने पर जो सिख लीडर थे, जो हिंदू लीडर थे और जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको लग रहा था, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी में थे एंटायरली पंजाब को अगर काउंट करें तो उनको मानना था कि भाई पॉलिटिकली वो डोमिनेट करेंगे, डिक्टेट करेंगे, तो उस चीज इस हिसाब से इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पार्टीशन की तरफ मतलब कदम बढ़ा दिए गए थे। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ, पार्टीशन। द विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का विड्रॉल, कि ये जो ब्लड बात थी, खून खराबा था, लगभग एक साल तक वो चलता रहा मार्च 1947 के बाद में जो स्टार्ट हो गया था। इसका मेन रीजन क्या था, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस जो थी उसका कलेप्स होना। जैसे आपको कह रहा है कि पेंड्रिल मून एंड एडमिनिस्ट्रेटर सर्विंग इन बावलपुर, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, उस टाइम में उन्होंने लिखा कि पुलिस फेल हो गई फायर इवन ए सिंगल बुलेट फायर करने जब वो दंगे फसाद स्टार्ट हुए तब। और अमृतसर के अंदर मार्च 1947 में जब स्थितियां बहुत भयंकर हो गई और अमृतसर ने ब्लड शेड के सीन देखे, मतलब एक दूसरे के खून के पैसे हो गए, लोग एक दूसरे को मतलब धर्म के नाम पे जो है साथ में रहते आए थे, एक दूसरे के खून के पैसे हो, एक दूसरे का कत्ल करने लगे। नोबडी न्यू हु कुड एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड पावर। देखिए उस टाइम में अब आज़ादी भी ऑब्वियसली आज़ादी का टाइम अगस्त 1947 में आज़ाद भी हो गए थे, कोई ये नहीं जानता था भाई किस तरीके से अथॉरिटी क्या क्या रूल करेगी, कैसे पावर की जाएगी। 1947 के आसपास यही स्थिति थी आज़ादी से पहले, किस तरीके से ट्रांजिशन ऑपरेट का, ब्रिटिशर्स भी वो भी अब क्या हो रहे थे, चीज़ें बहुत बदल रही थी। 1945 के बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड बाद में उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, वो भी अब मतलब यहाँ से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। तो कौन अब जो है कौन लीड करेगा, अथॉरिटी कैसी होगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सही प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो उसके कारण जो दंगे फसाद हुए उनको भी रोके जाने में मतलब जो मशीनरी है वो अनसक्सेसफुल रही। टॉप लीडरशिप जो थी ऑफ द इंडियन पार्टी बारिंग महात्मा गांधी के अलावा वर इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। वो इसी नेगोशिएशन में थी इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस हमें लेनी थी ऑब्वियसली, उसी नेगोशिएशन में उलझी हुई थी। हालांकि कई सिविल सर्वेंट्स थे इन द अफेक्टेड प्रोविंस फियर्ड फॉर देयर ओन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, वो खुद की लाइव्स के लिए प्रॉपर्टी के लिए, भाई अब पार्टीशन होगा तो हमारी कैसी स्थिति होगी, हमें कहाँ जाना है आना है, मतलब उस चीज में उलझे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थितियां थी। आगे आपको कह रहा था ब्रिटिश वर बिजी प्रिपेयरिंग टू क्विट इंडिया, और ब्रिटिशर्स कैसे बिजी थे, वो इंडिया को क्विट करना चाहते थे ऑब्वियसली, मतलब छोड़ के जाना चाहते थे, तो वो वैसे बिजी थे। लॉ एंड ऑर्डर की क्या होगी, जैसे आपका टॉपिक है ना, क्या द विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत खराब हो गई थी। प्रॉब्लम्स वर कंपाउंडेड बिकॉज इंडियन सोल्जर एंड पुलिसमैन केम टू एक्ट एज हिंदूज मुस्लिम्स और सिख्स। प्रॉब्लम्स और बढ़ गई जब जो इंडियन पुलिसमैन थे सोल्जर्स थे वो अपने आप को हिंदू या मुस्लिम या सिख्स रेफर करके मतलब उस हिसाब से काउंट करने लगे। जो दंगे हो रहे हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे पुलिसमैन, तो अगर वो वही दंगे फसाद कर रही है तो उसको नहीं रोकते थे, उसको बड़ा मतलब उसको इवन
एनकरेज करते थे, तो इसके कारण चीजें और बड़े पैमाने पर जो है खराब होने लगी। द प्रोफेशनल कमिटमेंट ऑफ दोज इन यूनिफॉर्म कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, इस तरीके से प्रोफेशनल कमिटमेंट जो था उनका उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। द वन मैन आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी ड्यूरेशन में 77 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम था महात्मा गांधी के नाम से जाने के, जो वो हालांकि बहुत प्रयास कर रहे थे इस सारी चीज को रोकने के लिए, जैसे नाम दिया गया इस टॉपिक का द वन मैन आर्मी। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिशें की, बंगाल के अंदर भी गए, कलकत्ता के अंदर वो गए जहां पे दंगे फसाद हो रहे थे, और आजादी भी हमें जब मिली तो वो भी जो थे उन्होंने इवन वन डे फास्ट भी रखा था उस ड्यूरेशन में। आगे आपको कह रहा है 77 ईयर ओल्ड गांधी जी जो थे वो अलग अलग जगह जो है नॉन वायलेंटली जो है लोगों के दिलों को चेंज करने के लिए, जैसे वो एक नौखाली जो जगह है ईस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के अंदर आता है आज प्रचंडे, वहाँ गांव गांव वो घूम रहे थे, बिहार के कई जहाँ पे दंगे वगैरह फैले हुए थे, कलकत्ता के स्लम्स और दिल्ली में जो है वो जगह जगह घूम रहे थे लोगों को शांत करने के लिए, और एक दूसरे कम्युनिटी को, हिंदुओं को और मुस्लिम्स को रोक रहे थे एक दूसरे को कत्ल करने, एक दूसरे का कत्ल करने से। हालांकि जो है जैसे आपको बता रहा है अक्टूबर 1946 में मुस्लिम जो थे इन ईस्ट बंगाल टारगेटेड हिंदूज, गांधी जी विजिटेड द एरिया, गांधी जी ने उन एरिया को विजिट किया, टोर्ड द विलेज ऑन फुट एंड परसुएडेड द लोकल मुस्लिम टू गारंटी द सेफ्टी ऑफ हिंदू, और वहाँ के लोकल जो मुस्लिम्स थे उनको ये बोला भाई आप गारंटी दो हिंदू वो की सेफ्टी के लिए। सिमिलरली कई दूसरी जगह दिल्ली के अंदर जो थे ये ट्राई टू बिल्ड ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में गांधी जी इस तरीके से ट्रेन में विजिट करने के लिए आए हैं, तो विलेज ऑफ नोकल्स होप फॉर अ ग्लिम्स ऑफ महात्मा गांधी, कितनी बड़ी संख्या में लोग गांधी जी को देखने के लिए, उनका ग्लिम्स लेने के लिए, उनकी विजन लेने के लिए, उनके इंतजार के लिए खड़े हैं। तो 28 नवंबर 1947 में जैसे आपको बता रहा है कि गुरु नानक बर्थडे के दौरान गांधी जी वेंट टू एड्रेस मीटिंग ऑफ सिक्स एट गुरुद्वारा सीसगंज दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने नोटिस किया कि वहां पे एक भी मुस्लिम नहीं है चांदनी चौक के एरिया के अंदर जो कि ओल्ड दिल्ली का हार्ट कहा जाता है। तो उन्होंने बोला है भाई इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी मोर शेमफुल फॉर अस, और ही आस्क्ड ड्यूरिंग अ स्पीच दैट इवनिंग, तो स्पीच में अपनी उसी शाम को उन्होंने ये बात बोली। Then the fact that the not a single Muslim could be found in Chandni Chowk, एक single Muslim Chandni Chowk में नहीं मिल सकता। गांधी जी जो है अगले दिन उन्होंने मतलब काफी दिन जो है वहाँ पे बिताए दिल्ली के अंदर जो दंगे से ग्रस्त एरिया थे, और लोगों की मैंटेलिटी को चेंज करने के लिए, आपस में भाईचारा वापस क्रिएट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, और उन्होंने इस रिलेशन में फास्ट जो है अनसन जो उनका हथियार था उसको भी अपनाया लोगों के दिलों को चेंज करने के लिए। जेंडरिंग पार्टीशन, देखिए अब जो टॉपिक है इसमें आपको बताया हुआ है, जैसे आपका टॉपिक है 5.1 रिकवरिंग वुमेन, बड़े पैमाने पर देखिए पार्टीशन के दौरान जो है वुमेन जो थी उनके साथ भी कई तरीके के एक्सप्लोटेशन हुए, अत्याचार हुए, रेप किया गया बड़ी वुमेन, बहुत सारी वुमेन का अब्डक्ट कर लिया गया। तो पार्टीशन आप समझ सकते हैं, सब बताया था ब्लड शेड हॉलोकॉस्ट एक नरसंहार के रूप में उभरा, और इसने जो है हमारे बीच में एक डिविजन डालने का काम किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगरिंग 14.12 में, वुमेन कंसोल ईच अदर एज दे हियर ऑफ द डेथ ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, महिलाएं जो है जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स की मृत्यु की खबरें सुनी तो वो एक दूसरे को कंसोल करती हुई। तो इस कई सारे अलग अलग डेटा मौजूद है जिसमें कहा जाता है भाई हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार किए गए बड़े पैमाने पर, और जैसा आपने सुना भी होगा बड़े पैमाने पर, जैसे आपको टॉपिक है 5.2 प्रिजर्विंग ऑनर, बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी खुद की डिग्निटी को बचाने के लिए मतलब सुसाइड्स कर ली, और बड़े पैमाने लोगों ने ही मतलब जैसे अपने जो महिलाएं थी घर की उनको मार दिया मतलब उनकी डिग्निटी बचाने के लिए, क्योंकि वायलेंस इस हिसाब से फैला हुआ था इतने बड़े पैमाने पर वास्ट स्केल पर फैला हुआ था, तो उसको उसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों ने इसका दंश झेला। अब देखिए इस पर पार्टीशन को लेके जो हिस्ट्री है, ये जो वीडियो थी ये तो आपका पार्ट फर्स्ट, इसके अलावा पार्ट सेकंड भी अवेलेबल हो जाएगा, अब जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं ये पार्ट सेकंड में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सारे वो हो चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस के अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट, इसके अलावा दो टॉपिक इसमें रहे हुए वो पार्ट सेकंड में आपको अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा,
और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, या इंग्लिश के अंदर भी, क्योंकि अब हमारा हिस्ट्री का सिलेबस लगभग हो चुका है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का और इंग्लिश का सिलेबस अब कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स की स्पेसिफिक वीडियोज़ भी अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।